बीते महीनों रांगा थाना क्षेत्र के गुमानी नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का पुलिस ने शव बरामद किया था। इस मामले का पुलिस ने दो आरोपी को धर दबोच लिया। वही पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 9 नवंबर को रांगा थाना अंतर्गत अठगावा के पास गुमानी नदी में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश बरामद हुई थी। इस संबंध में रांगा थाना कांड दर्ज किया गया था। इस कांड के लिए एक टीम का गठन किया गया जो अनुसंधान के क्रम में शव की शिनाख्त जक्सू मंडल रकिसपुर नगर थाना दुमका के रूप में हुई थी। इस कांड में दो आरोपी आकाश कुमार व रंजन कुमार को दुमका रसिकपुर निवासी डंगाल पाड़ा से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अन्य दो सहयोगियों के नाम बताए, जिसमें मुख्य आरोपी रकिसपुर निवासी परमेश्वर मंडल है जो घटना के बाद न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दुमका जेल में है। इधर पकड़े गए आरोपियों के बयान पर मृतक जक्सू मंडल का मोबाइल बरामद किया गया। इस घटना का मुख्य कारण जक्सू का अपनी पत्नी को संपत्ति को हड़पने की नीयत से प्रताड़ित करना रहा है। वही पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों का इतिहास खंगाला है। 2020 को रांगा थाना अंतर्गत गुमानी नदी में एक अज्ञात लाश मिली थी, जिसके संदर्भ में कांड संख्या 128/20/302/2/134 के अंतर्गत दर्ज की गई थी। इस कांड के सफल उद्भेदन के लिए हमारे एसडीपीओ बरहड़वा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें ऑफिसर इंचार्ज थांगा भी शामिल थे और उसके जूनियर अफसर भी थे। और इसमें पहले तो अज्ञात का पहचान करना था, जिसकी पहचान हम लोगों ने जक्सू मंडल और के रूप में किया। दुर्गा मंडल जो रसिकपुर दुमका नगर थाना के निवासी थे। फिर इसी क्रम में अनुसंधान के क्रम में जो बातें आई उसके आधार पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो उनके हत्या में शामिल थे और लाश को छिपाने में मददगार रहे, जिसमें से एक आकाश है और दूसरा अंजन है। इसमें एक तीसरा मुख्य अभियुक्त है परमेश्वर, जो घटना के बाद दुमका में अपने किसी केस में आत्मसमर्पण कर न्यायालय दुमका जेल में बंद है। इसमें और एक अभियुक्त है जिसके प्रयास गिरफ्तारी के प्रयास हम लोग कर रहे हैं और इनके पास से जो मृतक का मोबाइल था वो बरामद किया गया है। हत्या की वजह क्या रही है सर? इस तरह इस घटना का मुख्य कारण जो है जो बताया गया अभी तक, परमेश्वर जो है वो मृतक का साला लगता है और उसकी बहन को प्रताड़ित करने और उसकी संपत्ति को हड़पने की नीयत से यह हत्या किया गया बताया जा रहा है। R9 भारत के लिए सहिंद प्रसाद की रिपोर्ट, साहिबगंज, झारखंड।